यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानी भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र श्री भागवत गीता 10वां अध्याय विभूति योग। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असीत और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है।
श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वाले की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र भी धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पे मतलब श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि तुझ में मतलब कि पूरे संसार के एक एक वस्तु में, एक एक भाव में, सब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, हर जगह मैं हूँ।
हर तरफ सिर्फ मैं हूँ। भूत वेताल इंसान नदी तालाब झरने पेड़ पौधे जीव जंतु कीट भूत पिशाच जो भी है सब में सिर्फ और सिर्फ मैं स्थित हूँ।